शहीद आजादी के सुनहरे सवेरे से पहले गुलामी की उन अंधेरी रातों की कहानी है जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। हुकूमत के जुल्म और फांसी के फंदों पर झूलने वाले शहीदों की कहानी है। उन दिनों की कहानी है जब सूरज की किरणें रोशनी की बजाय नित नए कानूनी अंधेरे लेकर आती थी। धरती की मांग सवार कर फसल उगाने वाले किसान पर नए नए लगान जारी करके उसे दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया जाता। किसान खून पसीना एक करता, खेतियां लहलहाती, फसलें जवान होती, पसीने की एक एक बूंद अनाज के दाने की शक्ल इख्तियार करती, मगर इस पर किसान का कोई हक न होता। मेहनत हिंदुस्तान की, कमाई सालिम सरकार की, ऐसा होने से भूख और बदहाली बढ़ने लगी। हुकूमत चाहती भी यही थी कि किसानों के इस देश को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया जाए। जा, सीधा जमींदार के घर जा, वहां बड़े साहब आए हुए हैं, जाते ही उनके पैर पकड़ ले। मेरी जमीन मुझे वापस मिल जाएगी, मेरा घर मुझे वापस मिल जाएगा ना? अरे पगले, आज लोहड़ी का त्योहार है, सब लोग खुशी से झूम रहे होंगे। बड़े साहब तेरे पे रहम खाकर तेरा लगान माफ कर देंगे। जा, जा। और सुन, सरदार अजीत सिंह और किशन सिंह भी वहीं होंगे, समझे? उन दोनों भाइयों से बचकर। वो लोग भी वहां आए होंगे? अरे उनकी दुश्मनी हुकूमत से है, नंबरदार से नहीं। आज त्योहार का दिन है, वो जरूर आए होंगे। जा, जा। सरदार किशन सिंह जी, सत श्री अकाल। सरदार अजीत सिंह जी, सत श्री अकाल। कैसे हो भगत बेटे? कहां भेजा है तुमने उसे? इसके सिवा और कोई रास्ता भी न था। 2 साल से वो लगान नहीं चुका सका। सरकार ने उसकी जमीन छीन ली, उसका घर छीन लिया, उसके दोनों बच्चे भूखे मर गए, उसकी बीवी बीमार है और सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं। जमीन नहीं होगी तो किसान कैसे जी सकता है? गैरत नहीं तो इंसान कैसे जी सकता है? देखा भाभी, ऐसे लोग भी हैं जो घर और जमीन का तो सोच लेते हैं, लेकिन अपने देश और धरती मां का नहीं सोचते। जाओ भाई साहब। माँ, जमीन, धरती माँ, देश और घर में क्या फर्क होता है? Oh,
संभालो पगड़ी संभालो पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल ओए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए पगड़ी संभाल जट्टा कब तक बैठा देखेगा तू हाथों की ये लकीरें कब तक बैठा देखेगा तू हाथों की ये लकीरें तोड़ गुलामी की ये पुरानी जंग भरी जंजीरें हिम्मत होता बन जाती है हिम्मत होता बन जाती है सब बिगड़ी तकदीरें लुट गया माल ओए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल ओए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए पगड़ी संभाल जट्टा गुलाम है ना गुलाम क्या होता है माँ जिस पर दूसरे राज करते हैं वो गुलाम होता है हमारे देश में अंग्रेजों का राज है बेटा माँ अंग्रेजों का राज क्यों है अपने देश में बताती हूँ बेटा ये एक लंबी कहानी है बहुत साल पहले अंग्रेज हमारे देश में आए थे जैसे कोई मेहमान किसी के घर में आता है और घर आए मेहमान की आवभगत करते हैं ना बस वैसे ही हमने भी अपने मेहमान की आवभगत की और एक दिन ऐसा आया कि वो मेहमान हमारे घर का मालिक बनकर बैठ गया बस इसी तरह अंग्रेज हमारे देश के मालिक बन गए और हम गुलाम माँ अगर ऐसी बात है तो हम अंग्रेजों को अपने देश से बाहर क्यों नहीं निकाल देते कैसे निकाले जैसे मेरे स्कूल में हुआ एक लड़का मेरी जगह पर बैठ गया मैंने उससे कहा तो यहाँ से उठ जा वो नहीं उठा मैंने उसे समझाया वो नहीं माना फिर मैंने जबरदस्ती उसे अपनी जगह से हटा दिया बस ऐसे बेटा ये एक जगह की बात नहीं सारे देश का सवाल है अंग्रेजों ने हमारे सारे देश पर कब्जा कर लिया है अंग्रेजों के बहुत से आदमी हैं कितने आदमी होंगे अंग्रेजों के कई लाख बेटा पर माँ हमारे मास्टर जी तो कहते हैं हम हिंदुस्तानी कई करोड़ हैं क्या करोड़ आदमी लाख आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते बोलो ना माँ करोड़ आदमी लाख आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते रावलपिंडी सियालकोट और लायलपुर के शहरों में अंग्रेजों के खिलाफ खुले बंदो नारे सरदार अजीत सिंह
सरदार अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद की तकरीरों ने जनता में बगावत की आग फिर से भड़का दी। इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस फिर से अजीत सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश में है। कौन? कौन? अजीत सिंह पुलिस मेरा पीछा कर रही है। अजीत सिंह, मैं बड़ी मुश्किल से आखिरी बार आप लोगों से मिलने के लिए यहां तक पहुंचा हूं। आखिरी बार क्यों? मैं हिंदुस्तान छोड़कर जा रहा हूं। क्या कहते हो? अभी मेरा ख्याल है अब मैं यहां रहकर कुछ नहीं कर सकूं। यहां या तो जेल में पड़ा पड़ा सड़ जाऊंगा या पुलिस की हथकड़ियों से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागता फिरूंगा। बेटे, आजादी के लिए हमें ये कुर्बानियां देनी ही पड़ेंगी। ऐसी कितनी ही कुर्बानियां दी जा चुकी हैं, कितनों को फांसी के फंदों पर चढ़ाया जा चुका है। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मैं वो मौत नहीं मरूंगा जो इस अंधी सरकार ने मेरे लिए सोच रखी है। मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक ये फांसी के फंदे ना टूट जाए। मैं देश देश जाकर अपने देश की आजादी के लिए लड़ूंगा। आप घबराइए नहीं, जब तक इस सरकार की बुनियादें जड़ से नहीं उखड़ जाए मुझे मौत नहीं आ सकती। हरनाम, मत रो हरनाम, मैं तेरा दर्द समझता हूं, लेकिन इस दर्द से बड़ा एक और दर्द मेरे सीने में उबल रहा है। मुझे माफ कर दो हरनाम, मैं तुम्हें आंसुओं के सिवा और कुछ ना दे सकता। ऐसा ना कहिए, मेरी तो वाहेगुरु से यही प्रार्थना है, जिस काम के लिए आपने अपना सब कुछ लुटा दिया उसमें आपको सफलता मिले। हरनाम, पिताजी जीते रहो बेटा। मां जी, उन्हें लाल काल। मुझे दुख है मैं जाते वक्त भाई साहब से मिल नहीं सका। बेटा, अपने चचा को भूलेगा तो नहीं बेटा? नहीं। तो बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत साल पहले अंग्रेज हमारे देश में आए थे, जैसे कोई मेहमान किसी के घर में आता है और घर आए मेहमान की आवभगत करते हैं ना, बस वैसे ही हमने भी अपने मेहमान की आवभगत की। और एक दिन ऐसा आया,
हमारी खाई को भरने के लिए ईंट पत्थरों की नहीं बल्कि इंसानी लाशों की जरूरत होती है। आज के दिन ही आज से कई साल पहले शहीद करतार सिंह जी हंसते हंसते इसी खाई में कूद गए। इनकलाब की क्षमा कुर्बानी से जलाई जाती है और शहीद करतार सिंह जी ने अपने माँ बाप की उम्मीदें, अपना सुख चैन, जिंदगी और जिंदगी का दिया हुआ सब कुछ अपने देश पर निछावर कर दिया। हिंदुस्तान की आने वाली नस्लें शहीद करतार सिंह जी का ये कर्ज कभी नहीं चुका सकती। इनकी कुर्बानी हमेशा हमेशा के लिए देश पर मर मिटने का पैगाम दे। शहीद करतार सिंह जी जिंदाबाद, शहीद करतार सिंह जी जिंदाबाद। आइए हम सब मिलकर कसम खाएं कि हम सब शहीद करतार सिंह जी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। करतार सिंह जी मरे नहीं, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। वतन पे मरने वाले मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। अब हम दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी से प्रार्थना करेंगे कि वो अपने कर कमलों से शहीद करतार सिंह जी के पवित्र और उजले माथे पे तिलक लगाएं। आपका नाम? पंडित शिव चरण। नेक्स्ट? भगत सिंह। वल सरदार कृष्ण सिंह। दादा का नाम सरदार अर्जुन सिंह और चाचा का नाम सरदार अजीत सिंह। अजीत सिंह? ये सरदार अजीत सिंह वही तो नहीं जिन्होंने पगड़ी सवाल जट्टा? जी हाँ, बिल्कुल वही। और तुम? सुखदेव। और पिता का नाम? बस बस, फिलहाल नाम ही काफी है। और नेक्स्ट? यशपाल। नेक्स्ट? धर्मपाल। नेक्स्ट? झंडा सिंह। नेक्स्ट? सुखदेव राज। नेक्स्ट? छैल बिहारी। नेक्स्ट? मदन गोपाल। देखो बत्तूदारो, मैं जानता हूं जवानी का खून तुम्हारे अंदर उबल रहा है, मगर ये उबाल जिंदगी का साथ नहीं देता। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी एक भूल तुम्हें कहां से कहां ले जा सकती है। इंस्पेक्टर साहब, अपने देश के शहीदों को भूल जाना भूल होती है, उन्हें याद करना हमारा फर्ज है। मैं किसी किस्म की बहस में नहीं पड़ना चाहता। इस बार तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ देता हूं, आप जा सकते हैं। जय गोपाल, सो गए क्या? यार भगत सिंह, तेरी चिट्ठी मेज पर रखी है। किसकी चिट्ठी है भगत सिंह? पिताजी की। पिताजी की? क्या लिखा है? लिखा है छुट्टियों के बाद फौरन गांव आ जाओ। ऐसी फौरन वाली कौन सी बात आ पड़ी है? मेरी शादी करना चाहते हैं। शादी? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। प्यारी, तू दूल्हा बनेगा, मैं तेरा सेरा पढ़ूंगा, तेरी बारात में जाऊंगा। तू बारात पे जाना, मैं कानपुर जाऊंगा। कानपुर? साथी से मिलने? हाँ। लेकिन यार घर वालों से क्या कहोगे? मिलने पे समझा लूंगा। सुखदेव, तू तो जानता ही है आजाद जी से हमारा मिलना कितना जरूरी है। यही बात मेरी समझ में नहीं आती, तुम हमारी पार्टी में क्यों शामिल होना चाहते हो? आजाद जी, मेरी जिंदगी की एक ही आरजू है, एक ही मकसद है। मैं अपने देश को आजाद देखना चाहता हूँ। जो जंजीरें गैरों ने माँ के पाँव में पहना दी, उन्हें काट के रख देना चाहता हूँ। आजादी की राह पे अगर मुझे आप जैसे आदमियों का साथ मिल जाए तो मैं बड़ी से बड़ी मुश्किल से टकरा जाऊंगा। देख रहा हूं जवानी का खून जोश मार रहा है। जोश अब जुनून की सूरत अख्तियार कर चुका है। पुलिस जब बर्फ की सिलों पे घंटों नंगे बदल लेटाएगी, हफ्तों भूखा रखेगी, जिस्म के एक ही हिस्से पर हजार कोड़े एक साथ बरसाए जाएंगे तो जोश और जुनून दोनों ठंडे हो जाएंगे, मर जाएंगे। यह आपका ख्याल है।
जिस राह पे तुम चलना चाहते हो वहां कांटों के सिवा कुछ नहीं है। मान लो मैं मान भी लूं तुम हर तरह के जुल्म बर्दाश्त कर सकते हो। आदमी हर तरह के जुल्म बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन मेरे भाई एक सुख ऐसा भी है इस दुनिया में जिसका दुख आदमी नहीं सह सकता। ऐसा कौन सा सुख है आजाद जी? ये वो सुख है जिसकी गोद में पल के आदमी बड़ा होता है, जब उस मां की आंखों में आंसू नजर आएंगे, जिसका दूध लहू बन के तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, जब उस बाप की उजड़ी हुई सूरत नजर आएगी जिसने हजार दुख सहे मगर औलाद पे आंख ना आने दी, उस वक्त आदमी सारे आदर्श भूल जाता है। उस वक्त धरती माँ की तस्वीर उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। उस वक्त उसे सिर्फ वही माँ याद रहती है जिसने उसे जन्म दिया हो। आजाद जी, कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो आंखों में आंसू लेकर औलाद के पांव में ममता की बेड़ियां नहीं डाल देते। शिवाजी की माता जीजाबाई को कौन नहीं जानता? देश की रक्षा के लिए अपने हाथों से अपने बेटे के माथे पर तिलक लगाया। देश की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने हंसते हुए अपने चार बेटों को बलिदान कर दिया। आजाद जी, वो भी तो पिता थे। तुम जानते नहीं हमारे साथ जिंदगी मौत है। गुलामी की जिंदगी मौत से भी बदतर है। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? आजाद जी, इस वक्त समझाइए नहीं, सिर्फ मुझे समझने की कोशिश कीजिए। पंजाबी नौजवान पंजाब में आवाज उठाते हैं, आप यहाँ अपनी जान हथेली पे रख के अंग्रेजी सरकार की जड़ हिला रहे हैं। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, सारे हिंदुस्तान से छोटे छोटे फिरकों में सब कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारी ताकतें बटी हुई हैं। अगर हम सब मिलके कंधे से कंधा मिला के एक साथ जोर लगाएं तो अंग्रेजी राज की जड़ें बुनियाद से उखाड़ के फेंक सकते हैं। रही मेरी बात, अगर आपको ये शक है मैं वो नौजवान नहीं जो करतार सिंह और खुदीराम बन सकता है, अगर आपका ये ख्याल है कि पुलिस की लाठियां मेरे दम तोड़ देंगी, बर्फ की सिले मेरे जुनून की आग को ठंडा कर देंगी, तपती हुई राख मेरे इरादों को मोम की तरह पिघला देगी, तो मैं इस पवित्र अग्नि की कसम खा के कहता हूं कि वो घड़ी आएगी नहीं जो मेरे माथे पे गद्दारी और कमजोरी का कलंक लगा सके। उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना। सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना। झुक सकेगा ना अब सरफरोशों का सर, चाहे हो खूनी तलवार का सामना, चाहे हो खूनी तलवार का सामना। सर पे बांधे कफन हम तो हंसते हुए, मौत को भी गले से लगा जाएंगे। ऐ वतन मेरा मेरा भगत नहीं आया? नहीं नहीं, आपसे मिला तो होगा? नहीं, वो कानपुर चला गया। कानपुर? कानपुर क्या करने गया है? ये तो वही जाने, वहां मैंने अपने एक दोस्त को चिट्ठी लिखी है कि उसका पता करके मुझे लिखे। आप उसे तार भेज दें, मेरी बीमारी की खबर सुनकर वो एक पल भी ना रुकेगा।
आप नहीं जानते माँ के खून में कितनी कशिश होती है। दस भगत सिंह इतनी रात गए तुम यहां? मैं 1:30 बजे वाली गाड़ी से गांव जा रहा हूँ। तारा है, माँ बीमार है। माँ बीमार है? हाँ। तब तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। दर आजाद जी और राजगुरु नहीं है? नहीं है, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले आ जाएंगे। तुम्हारी गाड़ी 1:30 बजे की है और उनकी गाड़ी का वक्त हो गया है। गाड़ी कैसी? हाँ। आज अचानक ये पता चला कि सरकारी खजाने वाली गाड़ी लखनऊ जा रही है, लेकिन वो लखनऊ नहीं पहुंचेगी, उसके पहले उड़ा दी जाएगी। मगर दर्द उस गाड़ी में कितने मुसाफिर होंगे, कितने आदमी होंगे? उसमें कोई मुसाफिर नहीं होगा, कोई आदमी नहीं होगा, सिर्फ आदमी से छिनी हुई दौलत होगी। बस उस गाड़ी का सफर पूरा होने वाला है, 11 बजने वाले हैं। बीमारी का कारण था, यही मेरा इलाज है। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ले अब जल्दी से खाना खा ले, फिर नंबरदार के यहाँ लोहड़ी पर जाना है। पर माँ तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं। मेरी तबीयत? 6 महीने तक तो तूने सूद नहीं ली और अब कसर पूरी करना चाहता है। माँ बहुत हुआ लाड, अब जल्दी से खाना खा ले, नंबरदारनी तेरी राह देख रही होगी। तू नहीं जानता वो सब तुझे कितना प्यार करते हैं। खबर कब हो
कर कहा। क्या बात है इंस्पेक्टर, इन लोगों को यहां क्यों लाए? ये नहीं लाए सरकार, मैं इनकी मिन्नत करके यहां तक पहुंचा हूं। किस लिए? फरियाद करने आया हूं सरकार। कैसी फरियाद? हुजूर, पिछले साल फसल तैयार हुई तो बाढ़ आ गई, उससे पिछले साल फसल तैयार थी तो टिड्डी दल ने उसे बर्बाद कर दिया। इस साल चार दाने पैदा हुए तो सरकार आई लगा लेने माए बाप, मेरे बच्चों का क्या होगा? हुजूर, वही जो मेरे बच्चों का हुआ, तेरे बच्चे भी भूखे मार दिए जाएंगे। खामोश, और मुंह खोला तो जबान खिंचवा दूंगा। Take him away. देखे अपना खून पसीना तूने फसल उगाई, देखे अपना खून पसीना तूने फसल उगाई, आंधी देखी तूफान झेले बिपता सभी उठाई, फसल पकी तो ले गए जालिम, फसल पकी तो ले गए जालिम तेरी नेक कमाई, लुट गया माल तेरा लुट गया माल, वे पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, वे पगड़ी संभाल जट्टा। चाचा जी जल्दी से लस्सी पिला दो, मैं हकीम से माँ के लिए दवाई ले आऊं। अभी माँ, अब तबीयत कैसी है? अरे पगले, अब तबीयत को क्या होने वाला है, ठीक। बेटा, हाँ? रात तूने वही गाना गाया जो तेरा चाचा गाया करता था। हाँ माँ, तीर तो वही था लेकिन कमान बदली हुई थी। माँ, इन दिनों चाचा की कोई चिट्ठी नहीं आई? नहीं, लिखी तो उसने कही होंगी लेकिन डाक खाने वालों ने सरकार के वारंट समझकर रख ली होंगी। जाने अब वो हिंदुस्तान कब आएगा? जब देश आजाद होगा। देश आजाद कब होगा? जब चाचा आएगा। जाने वो दिन कब आएगा। लो, बात शुरू कहां से हुई थी और कहां पहुंच गई। अच्छा माँ, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूं। भगत कहां गया? मेरी दवाई लेने गया है। मैंने कहा हमेशा जो मुझसे कहती रहती हो, अब कर लो ना उससे शादी की बात। ठीक है, कर लूंगी, मैं माँ हूं, मुझे मालूम है वो मेरी बात कभी नहीं डालेगा। ये चूड़ियां कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं। और ये झांझरे? ये भी बहुत अच्छी हैं। ये नथ अच्छी लगी? ये भी अच्छी है माँ, मगर ये सब कुछ तुम मुझे क्यों दिखा रही हो? बेटा, हर माँ एक सपना देखा करती है। कैसा सपना? कि उसका बेटा एक दिन जवान होगा और एक दुल्हन लाएगा जो सर से पांव तक गहनों से सजी हुई होगी और छन 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 करती हुई सारे घर में खुशियां बखेरती फिरेगी। भगत, ये सब पहनने वाली मुझे एक दुल्हन ला दे। जो दुल्हन मैं लाना चाहता उसके लिए इन गहनों की जरूरत नहीं। अच्छा, मुझसे कोई चोरी चोरी देख रखी है क्या? नहीं माँ, जिस दिन मैं देख लूंगा सारा हिंदुस्तान देख लेगा, सारी दुनिया देख लेगी।
बात कर रहा है तू? दुल्हन की। तेरी बहेलियां तू ही समझे। मैं तो सीधी सीधी बात कहती हूँ, वो नंबरदार की बेटी है ना, उससे मैंने तेरे रिश्ते की बात पक्की कर ली है। नहीं माँ, ये रिश्ता लौटा दो, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। तो कब करेगा तू शादी? जब हमारा सपना पूरा होगा, जब इस देश की सुहागनों को वियोग की आग में नहीं जलना पड़ेगा, जब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों को फांसी के फंदे नहीं चूमने पड़ेंगे। जानता है तू क्या कह रहा है? मां, याद है तुम ही ने कहा था, अंग्रेज हमारे देश के मालिक बन बैठे और हम गुलाम। गुलाम बनकर मैंने आजादी की कीमत समझ ली है और अब तो आजादी से प्यार सा हो गया है। देखना मां, एक दिन मेरा प्यार जरूर अपनी मंजिल पाएगा। लेकिन भगत, अब कुछ मत बोलो मां। शादी की बेड़ियां अगर मेरे पांव में पड़ गईं तो आजादी की राह पर मेरे कदम लड़खड़ा जाएंगे। मैं शादी नहीं करूंगा मां, शादी नहीं कर सकता। मुझे आशीर्वाद दो। दीदी मंत्र भी पढ़ो ना। कौन सा मंत्र? वही जो बहनें राखी बांधते वक्त पढ़ती हैं। मुझे मंत्र मंत्र नहीं आता। मैं एक बात जानती हूँ, ये धागा तो प्रतीक है उस कसम का जो हमने अपने देश के प्रति खाई है। भगत सिंह जानते हो सुशीला क्या कहती थी? क्या कहती थी भाभी? कहती थी तुम कहीं भी हो लेकिन राखी के दिन जरूर यहाँ पहुँच जाओ। और देख लो मैं आ गया। बहुत अच्छा किया। मैं चाय पी लो। चाय? मैं चाय नहीं पीऊंगा। क्यों, क्या हुआ? चाय चाय खून सुखाती है, वजन घटाती है, दोनों दिमाग को खुश करती है। चाय सेहत के लिए बड़ी घटिया चीज है, सारा ग्लास पीने के बाद में खाना। भाभी घर में दही तो होगा ही, ऐसी लस्सी बनाओ कि भगवान सिंह की लस्सी भूल जाओ। अरे अभी तो चाय पी है, बाद में लस्सी भी पी लेना। सुखदेव मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें अपने देश से इतना प्यार क्यों है। अरे भाई जो बात तेरी समझ में नहीं आती उस बात के लिए क्यों अपने आप को दुखी करता है? सुखदेव छोड़ो ना यार भगत सिंह, आगे सुनाओ आजाद से और क्या बात है। भैया उन्होंने कहा वो यूपी में काम करेंगे, हम पंजाब में। एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब मिलेंगे, सारा हिंदुस्तान मिलेगा और इसी मिलन से हमें आजादी मिलेगी। भैया वो दिन बहुत जल्दी आएगा। से कोई महाराष्ट्र से कोई यूपी से है कोई बंगाल से कोई पंजाब से कोई महाराष्ट्र से कोई यूपी से है कोई बंगाल से तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के हर डाल से फूल हर रंग के आज हर डाल से नाम कुछ भी सही पर लगन एक है जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे ऐ वतन प्यारे सुखदेव यहाँ दिल्ली में सारे हिंदुस्तान से इनकलाबी नौजवान इकट्ठे हुए हैं। हम सब ने अपनी छोटी छोटी पार्टियों की एक पार्टी बनाई है जिसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। इस पार्टी का नारा है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब का ये नारा भगत सिंह की भेंट है। हाँ, साइमन कमीशन हिंदुस्तान आ रहा है, इस कमीशन का हमें हर जगह बायकॉट करना होगा। बाकी मिलने पर, तुम्हारा भैया भगवती। Come on!
ظالمانہ حملے کرتی ہے وہ کبھی قائم نہیں رہ سکتی یہ آج میرا چیلنج ہے کہ سرکار نے جو مجھ پہ وار کیا ہے یہی وار ایک دن اسے لے ڈوبے گا یہ میرا اعلان ہے کہ میرے سینے پر برسائی ہوئی ایک ایک لاٹھی ہندوستان میں انگریزی حکومت کے کفن میں ایک ایک کیل ثابت ہوگی चरणों के सुगंध लाला जी, इस अपमान का बदला लिया जाएगा। स्कॉट ने सारे देश की गैरत को ललकारा है, इस अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा। अभी जयगोपाल ने मुझे बताया है कि स्कॉट कोर्ट स्ट्रीट वाले पुलिस स्टेशन में है, करीब 4 बजे निकल के वहां से घर जाएगा। ठीक है, सबको अपनी अपनी जगह याद है? याद है, मैं और राजगुरु पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने।
आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। मैं कहता हूं वापस चले जाओ। अच्छी बात है। स्कॉट को मारना चाहते थे। Yes, they wanted to kill Mr. Scott. मुजरमों के हौसले इतने बढ़ गए कि वो दिन दहाड़े पुलिस वालों पर ही गोलियां चलाएं। हमें हर हालत में उन्हें गिरफ्तार करना है। शहर के कोने कोने पर पुलिस तैनात करवा दो। Yes, sir. गोली चलाने वालों में एक सिख नौजवान भी था। कुछ पता चला या शुभ काम किया किसने? अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन सैंडर्स पर गोली चलाते वक्त पुलिस ने एक सिख नौजवान को देखा। सिख नौजवान? मुझे तो शक है कि कहीं वो सिख नौजवान। आपको तो शक है और मुझे यकीन है। मैं अपने भगत को अच्छी तरह जानती हूँ, ये उसी का काम है। मैं कहती हूँ हमें आज ही लाहौर चले जाना चाहिए। हाँ हाँ चलो। क्या सोच रहे हो भैया? सोच रहा हूं पैसों का बंदोबस्त तो किसी न किसी तरह हो ही जाएगा, मगर भगत सिंह का क्या होगा? क्यों? सैंडर्स पे गोली चलाते हुए पुलिस के दो तीन आदमी ने उसको साफ देख लिया है। उसके लिए वो शहर का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। और इस वक्त अगर हमारा कोई भी आदमी पकड़ा गया तो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी भर जाएगा। शहर के हर चौराहे पे पुलिस हर सिख को खास तौर से देख रही है। भगत सिंह को यहां से निकालना हमारी जिम्मेदारी है और इस वक्त मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ये लो, पूरे 500 हैं। भाभी तुमने ये नहीं पूछा कितने रुपए किस काम के लिए चाहिए? पूछना जरूरी है क्या? अच्छा बताओ, पहले चाय पियोगे अलग? नहीं भाभी, एक काम हो। अपने एक साथी को लाहौर से बाहर निकालना है। कौन साथी है? एक, क्या तुम उसके साथ कलकत्ते जा सकती हो? उसकी बीवी बन सकती हो? कुछ कहने से पहले सोचा भी तो करो। माफ करना भाभी, माफ करना। उसको हिफाजत से निकालने का बस सिर्फ यही एक रास्ता है। अगर अगर वो गिरफ्तार हो गया भाभी तो यूं समझ लो जो काम हमारी पार्टी करना चाहती है शायद कभी ना कर सके। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं भाभी कि उसका बचना हमारे लिए कितना जरूरी। कब चलना होगा? कल सुबह की गाड़ी से। लेकिन भाभी तुम्हें अपना दिल पक्का करना होगा। रास्ते में गोली भी चल सकती है, कुछ भी हो सकता है। सुखदेव, जिंदगी में इतनी बातों की जरूरत नहीं जितनी तुम करते हो। तुम ठीक कहती हो भाभी। अच्छा भाभी, तो रात को मैं उसको अपने साथ यहाँ ले आऊंगा और वो यही रहेगा, और कल सुबह की गाड़ी से तुम लोग कलकत्ते चले जाओगे। ठीक है। अच्छा भाभी नमस्ते। भाभी आओ, तुम्हें अपने साथियों से मिलाऊं। यह है मेजर खान अलाउद्दीन खान आला, और ये रहा उनका नौकर धुलिया। ओए पापे, नौकर हो गए तुम?
नौकर होगा ये मेरा, सामान क्या उठा लिया असली नौकर ही समझ बैठे। भाभी मैं राजगुरु हूं। राजगुरु? तो फिर ये मेजर तुम्हारा भैया भगत सिंह? हाँ भाभी, कैसा लगता हूँ? अंग्रेज इसलिए नहीं कहूंगी कि हमारी उनसे दुश्मनी है। वैसे तुम सुखदेव, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो साथी भगत सिंह है? सिर्फ ये देखने के लिए भाभी कि भगत सिंह पहचाना जाता है या नहीं। और जब मेरी भाभी ने मुझे नहीं पहचाना तो और कौन पहचानेगा। ठीक है। अच्छा भाई, ये रहे तुम लोगों के टिकट, 3 पूरे हैं और 1 आधा सच्ची के लिए। अच्छा अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। अच्छा, अच्छा सुखदेव। राजगुरु दरवाजा बंद। भाभी सच्ची कहाँ? यहाँ दूध पी रही है। ओहो हो, हमारा बेटा दूध पी रहा है, हमको भी पिलाओ। दूध खत्म हो गया। खत्म हो गया? तुम तो नहीं। हम तुम्हारा लंबा चाचा है। लंबा चाचा तो पतली वाला है। अरे हाँ, अरे बेटा, भाभी मासूम सच्ची को इतने बड़े खतरे में ले जाना ठीक नहीं। तुम भी तो किसी के सच्ची हो। भाभी मेरा मतलब अच्छा, है कि... अच्छा अच्छा, बरात बहुत हो गई है, थोड़ी देर आराम कर लो, सुबह जल्दी जाना है। रंग दे बसंती चोला वे, रंग दे बसंती चोला माए। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है। उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो, आज बना वो शोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला वे, रंग दे बसंती। दास बाबू आ गए। भगत सिंह कैसे हो? ऊपर आओ ना। अभी आया। आओ दास बाबू आओ। भगत सिंह कब आए? पूरे 1 महीने से यहां कलकत्ते में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और तुम हो सहारनपुर, कभी आगरा, कभी दिल्ली, कभी लाहौर। खैर छोड़ो, ये बताओ काम तो सब ठीक हो गया है ना? हाँ, बम बनाने का काम हर जगह पूरे जोर शोर से शुरू हो चुका है। और सुनो, तुम्हें आजाद जी ने फौरन दिल्ली बुलाया है। क्यों? तुम तो नमस्कार दास बाबू, कमनाचन भला तो। नमस्कार नमस्कार। क्यों दिल्ली क्यों बुलाया है? तुम तो जानते हो सेफ्टी बिल सेंट्रल असेंबली में पेश हो चुका है। हाँ? आए दिन इस बिल के विरुद्ध नारे लगाए जाते हैं और आए दिन निहत्ती जनता पे लाठियां बरसाई जाती हैं। तो ठीक है, मैं आज ही दिल्ली चला जाता हूँ। ठीक है। और सुनो, तुम दुर्गा भाभी और भगवती भाई को लाहौर भेज देना। बिल्कुल ठीक है। भैया, असेंबली में बिल पास होने के ऐलान से पहले हम वहां धमाका करेंगे। धमाका? हाँ, हम वहां बम फेंकेंगे। बम? बम फेंकने से क्या होगा? एक ऐसा बम जो किसी की जान ना ले, सिर्फ आवाज हो, धमाका हो। लेकिन फायदा? असेंबली में हर शख्स चौंकेगा, खुद सरकार को इस बात का एहसास होगा कि गुलामी की नींद सोने वाला मुल्क करवट बदल रहा है। तो क्या ये बिल पास होने से रुक जाएंगे? बात शुरू होगी तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी भैया। हाँ, अगर बम फेंकने वाला अपने आप को गिरफ्तार करवा दे
तो बहुत कुछ हो सकता है। कैसे? बम फेंकने वाला एक नारा बुलंद करे जो असेंबली हाल की दीवारों से टकराकर सरकारी अदालतों से होते हुए सारी जनता तक पहुंचे। जनता जागृति बहुत जरूरी है भैया। सुखदेव तुम कब आए दिल्ली से? आज आज ही वापस जा। क्यों बोलते क्यों नहीं? क्या बात है? कुछ सुखदेव सब ठीक तो है ना? ठीक है। भगत सिंह से अगर आखिरी बार मिलना चाहते हो तो फौरन दिल्ली चलो। आखिरी बार क्यों? क्या हुआ है? चेहरा अभी नहीं बता सकता। दुर्गा जल्दी से सामान बांधो, हम आज ही दिल्ली जाएंगे। And now, I shall read out to you the orders of His Excellency the Viceroy of India to execute the Public Safety Bill and the Trades Dispute Bill when and where it is deemed necessary. तरह से अंदर पहुंच गए हैं ना? हाँ पहुंच गए हैं। बस अब जैसे ही असेंबली हॉल में पब्लिक सेफ्टी बिल पेश होगा उसके साथ ही इस बिल की धज्जियां उड़ाता हुआ एक धमाका सुनाई देगा।
भी बूचर खाने जा रही है। लम्मा चाचा, लम्मा चाचा। हंस के रुखसत करो हमको ए साथियों, पूरी करने हम अपनी कसम चल दी, राखी बांधी थी बहनों ने जिस हाथ में, पहन कर हथ कड़ी उसमें हम चल दिए। ओ हम न देखेंगे कल की बहारें तो क्या, तुमको तो वो बहारें दिखा जाएंगे। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम, भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। है वतन बादशाह, मेरे लाल ने देश की खातिर अपनी जान जोखिम में डाली है, उसकी लाज रखना। अपने पांच प्यारों की तरह उसे भी शक्ति दो कि वो इस इम्तिहान में सफल हो सके। ये झूठ है, ये सरासर गलत है, गलत है। हम दोनों में से किसी ने कोई गोली नहीं चलाई। ऑर्डर, ऑर्डर। हमने जब अपने आप को पुलिस के हवाले किया उस समय हमारे पास कोई पिस्तौल नहीं था। आपको अपने डिफेंस में कहने सुनने का पूरा चांस दिया जाएगा। अभी आप सरकारी वकील को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। यस मिस्टर प्रोसिक्यूटर। थैंक यू मिलोर। बम के धमाके और गोलियां चलने से असेंबली हॉल में एक अजीब खलबली सी मच गई। उस वक्त इन मुलजमान ने असेंबली हॉल में ये इश्तेहार फेंके जिन पे लिखा हुआ है अलाउड वॉइस फॉर डेफ टू हियर, यानी बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और साथ साथ मुलजमान ने जोर जोर से नारे लगाने शुरू किए, इनकलाब जिंदाबाद। ये सर फिरे नौजवान क्या सुनाना चाहते हैं, किसे सुनाना चाहते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता योर ऑनर। है अदालत को जुर्म के मकसद से कोई मतलब नहीं, हमें तो मुकदमे का फैसला वाकयात की बिना पर करना है, वाकयात जिनकी तस्दीक चश्मदीद गवाह करेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं दिल्ली पुलिस के सार्जेंट टेरी को अदालत में बुलवाना चाहूंगा। सार्जेंट टेरी, सार्जेंट टेरी हाजिर हो। आई स्पीक द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। थैंक यू सार्जेंट टेरी। डू यू माइंड इफ आई पुट क्वेश्चंस टू यू इन हिंदुस्तानी? प्लीज डू, मैं हिंदुस्तानी अच्छी तरह से जानता हूं। थैंक यू। मुलजिम भगत सिंह और मुलजिम बटुकेश्वर दत्त को मौका वारदात पे आप ही ने गिरफ्तार किया था? जी हाँ। जब आपने इन्हें गिरफ्तार किया उस वक्त ये लोग कहाँ थे? उस वक्त ये लोग असेंबली हॉल की पब्लिक गैलरी में था। ओह, उस वक्त इनके हाथ में क्या था? इन दोनों के हाथ में पिस्टल था जिसे ये लोग ने मिस्टर सस्तर के ऊपर दो दो गोली चलाया था। थैंक यू सर्जन टेरी। थैंक यू। मिलोर्ड, मेरा दूसरा गवाह है हेड कांस्टेबल हाकिम खान। हेड कांस्टेबल हाकिम खान। हाकिम खान हाजिर हो। हेड कांस्टेबल हाकिम खान, आप ये बताइए कि जिस वक्त असेंबली हॉल में बम फटा उस वक्त आप कहाँ थे? मैं उस वक्त असेंबली हॉल के गेट पर पहरा दे रहा था। और बम के धमाके की आवाज सुनकर आप अंदर हॉल की तरफ भागे? जी हाँ। वहाँ आपने क्या देखा? हुजूर, भगत सिंह और बटकेश्वर दत्त सुस्टर साहब पर गोलियां चला रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग गैलरी तरफ भागे और इन दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मैं कहता हूँ ये क्या मजाक है, गवाह झूठे, मुकदमा झूठा, अदालत झूठी, तो यहाँ इंसाफ कैसे सच्चा हो सकता? अगर आप लोग मुकदमा शुरू करने से पहले हमारा फैसला कर चुके हैं,
तो फिर अदालत का ये ढोंग किस लिए? झूठ पे सच्चाई का नकाब क्यों? बेइंसाफी पे इंसाफ का लिबास किस लिए? आपको अदालती कार्रवाई के मुताबिक चलना होगा। आप अपना कोई ना कोई वकील जरूर फिक्स कर ले। द कोर्ट इज अडजर्न फॉर द नेक्स्ट हियरिंग। मुझे आसफ अली कहते हैं। आसफ अली साहब, तशरीफ रखिए। माफ कीजिए, आपको पहचाना नहीं, पहले मुलाकात नहीं थी। मैंने तो आपको असेंबली हॉल में देखते ही पहचान लिया। फरमाइए, यहाँ आने की कैसे तकलीफ थी? जैसा कि मुझे आदेश मिला है तो आपके मुकदमे की पैरवी मैं करना चाहता हूँ। आप तो जानते हैं आसफ अली साहब, हम अदालत में बयान दे चुके हैं कि हम अपनी वकालत खुद करेंगे। और फिर वकील की जरूरत तो उसे होती है जो इस चार दीवारी से छुटकारा पाना चाहे। आप शायद नहीं जानते आसफ अली साहब, हमने अपने आप को गिरफ्तार इसलिए करवाया है कि हम जनता और सरकार से जो बातें वैसे नहीं कह सकते, अब कहेंगे। आप जो कुछ कहना चाहते हैं जरूर कहिएगा। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ, झूठे गवाह तैयार करके सरकार ने जो आपके लिए मौत का जाल बुना है, मुझे डर है कहीं आप लोग इसमें फंस ना जाए। मुझ पर यकीन कीजिए, जिस देश के लिए आप मौत को गले लगाने के लिए तैयार हैं, उसी देश को आपकी जिंदगी की जरूरत है। मगर आसफ अली साहब, ये वक्त सब बातें सोच समझ कर चलने का है। हेड कांस्टेबल हाकम खान, जब हॉल में बम फटा उस वक्त आप असेंबली हॉल के गेट पे थे? जी हाँ। बाहर वाले गेट पे? जी हाँ। बम के धमाके और गोलियों की आवाज सुनकर आप अंदर की तरफ भागे? जी हाँ। जब आप हॉल में दाखिल हुए तो ये लोग गोलियां चला रहे थे? उधर क्या देख रहे हैं, मेरी बात का जवाब दीजिए। जब आप हॉल में दाखिल हुए ये लोग गोलियां चला रहे थे? जी हाँ। वैसे बाहर वाले गेट और हॉल के दरमियान कितना फासला? जी काफी फासला है। कितना? जितना मेरे और आपके दरमियान? जी नहीं हुजूर, कम से कम 25-30 का फासला होगा। आई सी। गोलियों की आवाज आपने बाहर सुनी? जी। और जब आप 25-30-10 का फासला तय करने के बाद मौका वारदात पे पहुंचे, उस वक्त भी मुलजमान गोलियां चला रहे थे? जी हाँ। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, इन लोगों ने गोलियों की आवाज बाहर भी सुनी और 25-30-10 का फासला तय करने के बाद जब ये हॉल में दाखिल हुए उस वक्त भी मुलजमान गोलियां चला रहे थे, जबकि इन्हीं लोगों के बयानात के मुताबिक मुलजमान ने सिर्फ 2-2 गोलियां चलाई। सार्जेंट टेरी, इस पिस्तौल में कितनी गोलियां आती हैं? 6 एट अ टाइम। आपने अभी अभी माना है कि मुलजमान ने मिस्टर सुस्टर पर 2-2 गोलियां चलाई? हाँ, मैंने आंख से देखा। इसका मतलब ये हुआ कि मुलजमान के पिस्तौलों में 4-4 गोलियां बाकी थी? मे बी। जब मुलजमान के पिस्तौलों में 4-4 गोलियां बाकी थी तो आपने उन्हें गिरफ्तार कैसे किया? द बुलेट्स वर फिनिश्ड। आपको कैसे मालूम हुआ? मैं पूछता हूं, आपको कैसे मालूम हुआ कि पिस्तौल में गोलियां खत्म हो चुकी हैं? Well, I knew it. You did not know it. It's a lie. It's a naked lie. मिलॉर्ड, जब पिस्तौल ही नहीं थे तो गोलियां कहां से आती? मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गैर मामूली किस्म का मुजरिम कहा है। नो मिलॉर्ड, नो। गैर मामूली किस्म के मुजरिम तो क्या, एक मामूली मुजरिम भी जुर्म करने से पहले अपने बचाव का रास्ता सोच लेता है, जो मेरे मक्कलों ने नहीं किया, क्योंकि ये मुजरिम नहीं है। अपना हक मांगना दुनिया के किसी कानून में जुर्म नहीं है, और अगर हक मांगना जुर्म है तो भगत सिंह और भटुकेश्वर दत्त ही मुजरिम नहीं, मैं भी मुजरिम हूं, सारा हिंदुस्तान मुजरिम है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, अप द रेवोल्यूशन, डाउन डाउन द रेवोल्यूशन, ऑर्डर 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 ऑर्डर। मुलजिम भगत सिंह, आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। कहते हैं अदालत इंसाफ का मंदिर होता है, लेकिन सरकारी गवाहों ने यहां आकर झूठ, सिर्फ झूठ और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहा। लेकिन हम सच बोलेंगे, और सच ये है कि जो इल्जामात हम पे लगाए गए हैं उनमें सच्चाई का बहुत थोड़ा अंश है।
हम इस बात से इनकार नहीं करते कि हमने असेंबली में बम फेंके, मगर वो बम किसी की जान लेने के लिए नहीं थे, बल्कि लाखों करोड़ों जानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए थे। अगर गौर से देखा जाए तो दुनिया की बर्बादी की जड़ है एक इंसान का दूसरे इंसान पे हुकूमत करने का शौक। एक इंसान का ये शौक लाखों करोड़ों इंसानों की जिंदगियों को मौत से बदतर बना देता है। हम इस बारे में जितना सोचते हैं हमारे इरादे अटल होते हैं कि इस हुकूमत को खत्म होना चाहिए। यहां सरकार कानून बनाती है जुल्म ढाने के लिए, जनता की उठती हुई आवाज को दबाने के लिए, लेकिन आज तक ये आवाज कौन दबा सकता? बेस्टील का कैद खाना अपनी ऊंची ऊंची दीवारों में फ्रांसीसी जनता की आवाज को गर्क नहीं कर सका। रूस का इनकलाब रोका ना जा सका। आयरलैंड आजाद होके रहा और इसी तरह एक दिन हिंदुस्तान भी आजाद होके रहेगा। 1857 में इस देश के वीरों ने धरती को अपने खून से सींचा। गदर पार्टी के शहीद हंसते हंसते जंगे आजादी की आग में कूद गए। जलियांवाला बाग सरकार के अंधे जुल्म की कहानी सदियों तक कहेगा। सरकार के जुल्म ने इस देश के बच्चे बच्चों को इस बात से आगाह कर दिया है, धरती के लाल, धरती बलिदान मांगती है। और आज इस देश का बच्चा बच्चा गुलामी की नींद से जाग उठा है। अब यह बढ़ता हुआ सैलाब रोका नहीं जा सकता, ये इनकलाब आगे रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और हुकूमत ने वही किया जो उसने सोच रखा था। भगत सिंह और बीके दत्त को उम्र कैद की सजा दे दी गई। असेंबली हॉल में बम फेंकने और मिस्टर शुस्टर पर गोली चलाने के जुर्म में भगत सिंह और ब्रजेश्वर दत्त को सजाए उम्र कैद। सुखदेव, एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। किसी ना किसी को तो इस बलि वेदी पर चढ़ना ही था मेरे दोस्त। मगर दुख तो सिर्फ इस बात का है, हमने अपना सबसे कीमती मोती आहुति बिठा दिया। खबरदार, जो जहां है वहीं खड़ा रहे, अगर भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। इश्तहार भी भगत सिंह का लिखा हुआ है? जी हाँ, ये सब इश्तहार भगत सिंह ने अपने हाथ से लिखे हैं। सैंडर्स मर्डर में भगत सिंह शामिल है? जी हाँ, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद और बाकी साथी। उनका नाम और पता नोट करवा दो। जी, भगत सिंह और दत्त को दिल्ली से लाहौर बुलाया जाए। भगत सिंह और बी के दत्त को दिल्ली से लाहौर बुलवा लिया गया। एक कड़ी कमजोर होने से सारी जंजीर टूट गई। जय गोपाल के सरकारी गवाह बनने से लाहौर, सहारनपुर, कलकत्ता और दूसरी बम फैक्ट्रियों पर छापे मारकर पार्टी के सैकड़ों मेंबरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर चंद्रशेखर आजाद पुलिस की तमाम कोशिशों को नाकाम करते हुए आजाद रहा। जेलें भरी जा रही थीं, जहां मौत का सन्नाटा रहता था वहां देशभक्ति के गीत गूंजने लगे। रंग दे बसंती, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। ऐसा लगता है बरसों के बाद इकट्ठे हुए हैं। फिकर मत करो, अब तो बरसों इकट्ठा रहना पड़ेगा। मेरा रंग दे बसंती चोला, तुम देश की खातिर इधर, मैं तुम्हारी खातिर इधर। मेरा नाम है चतर सिंह, बड़ो पुराना मुलाजिम। 1914-15 दे गदर पार्टी दे शेर आए थे ना, उस वेले भी उनकी खिदमत तोड़े सेवक ने की थी सी। भगत सिंह जी, नौकरी अंग्रेजा दी ते सेवा हिंदुस्तानी शेरा दी। मैं कोई कैदी वार्डर नहीं हूं। मैं आओ प्यारों, रोटी खा लो, गरम गरम है। ए साड़ा धनी राम है, रोटी वाला कैदी वार्डर है। बड़ा मजे का आदमी है जी, बड़ा मजे का आदमी।
इसकी एक औरत होती थी, बड़ी खूबसूरत होती, बड़ी खूबसूरत हो आर ऐसी, एक मंचले ने इसकी औरत को आंख मार देती, मोटे को आया गुस्सा, चाकू कट के खड़ीच कर देता। आसिक साहब तो उठे चल बसया, ते धनी राम जी इत्थे आ बसया। अरे चतर सिंह, इन्हें खाना खाने दो, भूखा ना मारो, आओ प्यारो। अच्छा चलो भाई चलो, तुम लोग खाना ना खाओ, तो मैं कुछ और काम करके आना। आदमी मजेदार है। लो प्यारो खाना खा लो, बहुत बढ़िया खाना है, तुम्हारे लिए विलायत से मंगवाया है। विलायत से क्यों? वहाँ के दस्तरखान में जो खाना बचा वो मंगवाया है। तो फिर तुम भी विलायत से आए होगे? तुम्हारा मतलब वहाँ के चिड़ियाघर से? मैं क्या तुम्हें चिड़िया नजर आता हूँ? तो वहाँ के अस्तबल से आए हो? अस्तबल से? मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, इसमें तो रहता है। तू नहीं खाओगे? दाल में दाल कम, कंकर ज्यादा, पत्थर पिसे हुए हैं। जब भी तो कहता हूँ प्यारो विलायत से आया है, अंग्रेज खाते हैं तभी तो उनके दिल पत्थर के हैं। मर गया दिल साहब, जय गोपाल, इंस्पेक्टर साहब बड़े रहमदिल इंसान है, तुम साफ साफ बता दो वो तो मैं माफ कर दूंगा। टेलर साहब, मुझे जो कुछ मालूम था मैंने आपको बता दिया है। जेलर साहब, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं मानते? मैं आपसे सच कह रहा हूँ जेलर साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। जेलर साहब, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। लीव हिम। थैंक यू वेरी मच सर। आप वाकई बड़े रहमदिल। हुजूर, अगर साहब को मारना हो तो साहब की गर्दन को मरोड़ दीजिए। मतलब? मतलब ये सर कि अगर आप इस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं तो भगत सिंह, सुखदेव और दत्त को सरकारी गवाह बना लीजिए। ही इज राइट। तुम्हारे कागजात कल तक तैयार कर दिए जाएंगे, फिक्र मत करो, तुम्हें सरकार की तरफ से इनाम भी मिलेगा। होता है बीच में बोलने वाला, चार नारे लगाकर जेल में आ गया तो अपने आप को बड़ा बदमाश समझता है, तो बदमाश मेरे जैसे होते हैं। 20 तजोरियां तोड़ी हैं मैंने, चार खून कितने ने, कैर सिंह दे मुंह लगेगा तो नारे लगाना बुला दूंगा। जबान संभाल के बात करो, नहीं तो ओ इनकलाबी, पहला तो तेरे नाल निपट ला। पकड़ लो शर्म सारे को, और मैं तेरे कैर सिंह की धत्ती उड़ाकर रखूंगा। ना कैर रहेगा ना सिंह रहेगा, मार मार के इसकी खाल दे दो। ले जाओ शर्म सादे को। ओए जनरल, मुंह संभाल के गाली निकालना वरना फजमा खून तेरा हूँ। बाल बच्चे कार बैठे रो रहे होंगे। पका मत, काट नहीं का। ले जाओ इस कुत्ते को यहाँ से। तेरे घर का आदमी नहीं बचेगा। ले जाओ इसे, बंद कर दो अंदर। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अंदर, कैदी हो कैदी बनकर रहो, जाओ। चलो प्यारो, चलो चलो प्यारो, चलो। हाँ।
भगत सिंह, हुकूमत की मुखालफत करने वाले को यहाँ भूखा रखा जाता है, कोड़े मार मार कर उसकी खाल उधेड़ दी जाती है, फिर भी अगर वो आवाज न दबे तो फांसी के फंदों में उस गले को ही घोंट दिया जाता है। भगत सिंह, तुम एक समझदार आदमी हो, अपनी बेहतरी खूब समझते हो। वैसे तुम्हारे साथियों ने बड़ी अकलमंदी से काम लिया है। ये देख, तुम्हारा दोस्त सुखदेव सरकारी गवाह बन गया। क्यों? ये सुखदेव मेरा दोस्त नहीं, कोई और होगा। तुम जा सकते हो। छोड़ोगे तो यूं ही धारे मारते मारते मर जाओगे। एक के मर जाने से क्या होगा जयलेश, मेरे और बहुत सताती है। सरकारी गवाह बन गया, भगत सिंह सरकारी गवाह बन गया। Yes, Mr. Prosecutor. Please proceed. हुजूर वाला, आज मैं अदालत के सामने इस मुकदमे का बहुत ही अहम गवाह पेश करूंगा, जो हुकूमत के खिलाफ की गई साजिश में हर कदम पे मौजूद था, लेकिन अब इसने बड़ी अकलमंदी वक्षनासी से काम लिया। मेरे इस गवाह का नाम है सुखदेव। सुखदेव को अदालत में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मुल्जिम सुखदेव, सुखदेव हाजिर हो। साहब, मुझे अपने साथियों से अलग क्यों खड़ा किया गया? यह अदालत का दस्तूर है, सरकारी गवाह बाकी मुल्जिमान से हमेशा अलग रखे जाते हैं। तो फिर भगत सिंह वहां क्यों खड़ा है? वो भी तो सरकारी गवाह बन चुका है। बोलते क्यों नहीं वकील साहब? सुखदेव, तुम सरकारी गवाह बन के आए हो, मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। कैसे सवाल? खुद झूठ बोलकर मुझसे सच्चाई कहना चाहते हैं आप लोग? सरकारी गवाह बनाने के लिए मुझसे यह कहा गया, भगत सिंह सरकारी गवाह बन चुका है। मुझे झूठी अखबार में दिखाई गई, मेरी अकल पर झूठ का पर्दा डाल दिया गया। लेकिन इस झूठी हुकूमत का साथ देने से तो मौत बेहतर है। सुखदेव जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
हुजूर वाला, मुझे अफसोस है, मेरे बुजदिल गवाह ने अदालत का कीमती वक्त जाया किया है। हमें आपसे हमदर्दी है। आर्डर, आर्डर, आर्डर। हुजूर वाला, अगर इजाजत हो तो मैं मुजरिम जय गोपाल को अदालत में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मुजरिम जय गोपाल। जय गोपाल हाजिर हो। हाँ, ये तो बताओ जय गोपाल, जब तुमने सार्जेंट सैंडर्स को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते देखा तो तुमने क्या किया? बोलो बोलो जय गोपाल, तुम चुप क्यों हो गए? हुजूर, मिस्टर सैंडर्स को सामने से आते देखकर मैंने भगत सिंह और राजगुरु को इशारा किया। उस वक्त वो लोग कहाँ थे? उस वक्त वो लोग पुलिस स्टेशन के सामने एक दरख्त के पीछे मेरे इशारे का इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा इशारा पाकर उन्होंने क्या किया? राजगुरु ने आगे बढ़कर क्या किया? राजगुरु ने आगे बढ़कर मिस्टर सैंडर्स का रास्ता रोक लिया। फिर क्या हुआ? और उसके बाद राजगुरु ने गोली चला दी। उसके बाद क्या हुआ जयगोपाल? और उसके बाद भगत सिंह ने क्या किया? भगत सिंह ने तुम बोलते क्यों नहीं? भगत सिंह ने क्या किया? भगत सिंह ने भी गोली चला दी। अबे ओ बेशरम, अपने स्वार्थ के लिए तेरी आंख का पानी भर गया। कटार कहेंगे। जय गोपाल मुर्दाबाद, जय गोपाल मुर्दाबाद, जय गोपाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऑर्डर, 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 ऑर्डर। अदालत में ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ अकबर, अभी अभी तीसरी वार्निंग आई। भगत सिंह सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर हमारी सरकार खतरे में है तो हम खतरे में, हमारी नौकरी खतरे में। जरूर, इस कड़ाके की सर्दी में भगत सिंह को बर्फ की सिलों पर रखा हुआ है, लेकिन आदमी है कि टस से मस नहीं होता। तो इसका मतलब हुआ कि अभी तक जो कुछ हो रहा है काफी नहीं। उसके साथ वो करो जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। सरकार का हुक्म है कि भगत सिंह का सरकारी गवाह बनना बहुत जरूरी है। जी जरूर। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए। बरसाओ कोड़े। सरकारी गवाह बनते हो या नहीं? नहीं। होश हो गया, होश में आए तो फिर बेहोश कर दो। जी हुजूर। क्या देख रहे हैं? वही जिसने तुम महसूस करते हो ना देखते हो। अगर तुम आईने में अपनी सूरत देख लो तो तुम्हें अपने इरादों से, अपनी जिद से नफरत हो जाए।
मैं कहता हूं तुम इज्जत छोड़ क्यों नहीं देते? बात तरसा रहा आपको मेरी हालत पे। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम सरकारी गवाह बन जाओ मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचा लूंगा। भगत सिंह मुझे गलत मत समझो, यहां जो कुछ होता है सरकारी हुक्म से होता है, मैं मजबूर हूं। आप हुक्म से मजबूर हैं, मैं दिल से मजबूर हूं। मैं तुम्हारे साथ बहस करने नहीं आया, सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम्हारे साथ ही आज नहीं तो कल तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तुम अकेले रह जाओगे और अकेले तुम हुकूमत से नहीं लड़ सकते। अगर आपको मेरे अकेलेपन का इतना ही ख्याल है तो आइए आप ही मेरे साथी बन जाइए, छोड़िए सरकारी भर्ती को, अपनी आत्मा से पूछ कर देखिए, जवाब मिलेगा। ये पोशाक ये घाव सरकारी वर्दी से कहीं अच्छे हैं। समझाने की कोशिश की तो उल्टा सबक देना शुरू कर दिया। 35 करोड़ इंसानों में तुम ही तो दो चार अकलमंद रह गए हो, बाकी सब बेवकूफ हैं। जिंदगी में जिन्हें कुछ ना मिला वो सिर्फ नारे लगाते हैं, ना इज्जत मिली, ना रोजगार, ना मां बाप का प्यार, ना घर का सुख। बेकारी और बदहाली से तंग आकर तुम लोगों के लिए सिर्फ यही एक रास्ता था। जेलर साहब क्या है? हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रह कर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर। वक्त रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कहकर, गोद में आंसू जो टपके कभी रुख से बहकर, तिफल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को। हमने जब वादिये गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक याद वतन आई थी समझाने को। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। क्या कहती हूँ मैं, ये जेल तो सिर्फ नाम की जेल है, यहाँ सब सुख है। और सबसे बड़ी बात तो यह है माँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जेलर साहब और दूसरे सरकारी मुलाजिम कैदियों के आराम का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। क्या देख रहे हैं? देख रही हूँ, अपना दर्द छिपाने के लिए आदमी अपनों से भी झूठ बोलने लगता है। तूने यह कंबल क्यों ओढ़ रखा है? बस यूं ही मां। मैं जानती हूं इन बेरहमों ने तेरा सारा जिस्म जख्मी कर दिया है, ये कंबल ओढ़कर तू दुनिया से अपने जख्म छिपा सकता है, मुझसे नहीं। बेटा अपने देश के लिए एक बार मरना 100 जन्म के बराबर होता है। शाबाश, इस भावना को कभी मिटने मत देना। चलिए मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। अच्छा मां, जीता रहे। लो प्यार
खाना खा लो। हम कितनी बार कह चुके हैं हम ये खाना नहीं खाएंगे, मगर हमारी बात का कोई असर नहीं। अरे प्यारे, असर हो भी तो कैसे, हलवा पूरी तो साहब खा लेते हैं, कैदियों के नसीब में तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। अच्छी बात है, जब तक यहाँ अच्छा खाना नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना नहीं खाओगे? अरे अरे तुम कहाँ उठ चले भाई? मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, जाके जेलर साहब से कह दो कि भगत सिंह और दत्त ने भूख हड़ताल की है, हमें इंसानों का खाना चाहिए, जानवरों का नहीं, समझे? अरे प्यारो, ये खाने का मामला है, कोई देश की आजादी का नहीं, एक ने खाना नहीं खाया तो दूसरा भी उठ गया। अरे खाने के मामले में दूसरे का जाने का मतलब मेरी समझ में नहीं आया प्यारो। हाँ तेरी समझ में आएगा भी नहीं, और जितना तू मोटा है उतनी तेरी अकल मोटी, सुनिया ही तनिए चुप बे बनिए। मेरा नाम धनी राम है, धनी राम। सिद्धि तरह रोटी दे, नहीं तो भोलो राम कर दूं। प्यारे कहर सिंह, कभी तो ठहर सिंह होके बोला कर। ओए अदरा चिकू इधर कर, चल जा जा चल ना। अच्छा बाबा अच्छा, आओ प्यारो। मैं अब भी कहता हूं मत कीजिए भूख हड़ताल, इंसान के बड़े बड़े इरादे भूख की आग में जलकर राख हो जाते हैं, एक बार इस आग में कूदने के बाद जलने के सिवा कोई रास्ता नहीं। मैं कहता हूँ मान लीजिए मेरी बात, मत कीजिए भूख हड़ताल। लेकिन भगत सिंह, तुमने ये भूख हड़ताल हम सब की खातिर की है, तो क्यों ना हम सब मिलकर अपने हक के लिए लड़ें? नहीं नहीं, हम भी खाना नहीं खाएंगे। क्या बात है, क्यों इनकार किया तुमने खाना खाने से? जेलर साहब ये क्या है? रोटी। तो लीजिए खाइए। तुम मुझे ये रोटी खाने के लिए कह रहे हो? जहां तक खाने का ताल्लुक है आप में और हम में कोई फर्क नहीं, फिर आप ये रोटी क्यों नहीं खा सकते? भगत सिंह अपनी जबान पर काबू रखो, तुम भूल रहे हो तुम कहां हो, क्या कह रहे हो और किससे कह रहे हो। बुरा मान गए, मैंने बात ही ऐसी कह दी जेलर साहब, लेकिन अगर ये रोटी जानवर के सामने रखी जाए तो वो भी खाने से इनकार करते। तुम जानवर की बात करते हो, वो देखो इंसान उसे खा रहा है। यही तो आप लोगों का कमाल है जेलर साहब, यहां इंसान जानवर से भी बदतर बना दिया जाता है। भगत सिंह, हमारे नजदीक जानवर और मुजरिम में कोई फर्क नहीं, ये जेल है, यहां बड़े बड़े 30 मार खा अपनी चाल भूलकर चूहे बन जाते हैं। तुम और तुम्हारे साथियों की हस्ती क्या? आपकी बहुत बड़ी हस्ती है, आप शाही नौकर हैं, एक हिंदुस्तानी की एक गुलाम की इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी कि वो अंग्रेज के हुक्म को बजा लाना अपना फर्ज समझता हो। मैं और मेरे साथी बहुत मामूली हस्ती वाले हैं, लेकिन हमें जानवरों का खाना नहीं चाहिए, हमें कमरों में रोशनी चाहिए, सोने के लिए साफ बिस्तर चाहिए। तो कान खोलकर सुन लो, कपड़े तुम्हें यही पहनने पड़ेंगे, कमरों में रोशनी नहीं मिलेगी, अंधेरा मिलेगा, मच्छर काटेंगे, खाना तुम्हें यही मिलेगा, खाना है तो खाओ वरना भूखे मर जाओ। मुझे नहीं मालूम था इंसान इस हद तक हैवान बन जाता है, अगर आपका यही रवैया है तो हम में से कोई खाना नहीं खाएगा। चतर सिंह, इन सबको कोहड़ियों बंद कर दो, भूख से तड़पने दो, खाने के लिए तरसने दो, जब तक मुझसे माफी ना मांगे इन्हें खाना मत दो, भूखा मर जाने दो। आप एक दिन हमारी मांगे पूरी करेंगे जेलर साहब, सरफरोश झुका नहीं करते मगर कट जाते हैं, खाना नहीं खाएंगे। नहीं खाते मत खाओ, और जेलरा तू तो खा मेरे यार, नहीं सुनदा दफा हो। कितने दिनों से मेरे भगत ने खाना नहीं खाया, भूख हड़ताल करके बैठा है, जेल में खाना अच्छा जो नहीं देते, मैंने उसकी सब मनपसंद चीजें बनाई हैं, देखती हूँ कैसे नहीं खाता। मैं अपने भगत को खूब अच्छी तरह जानती हूँ, वो मेरा कहा कभी नहीं टालेगा। भगत माँ, ये तूने अपना क्या हाल कर लिया है रे? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। मैंने सुना तुम लोगों को खाना अच्छा नहीं मिलता, इसलिए तुमने भूख हड़ताल की है। देख, मैं अपने हाथ से खाना पका के लाई हूँ, अंदर भेजती हूँ, तू खा लेना। नहीं माँ, मैं मानता हूँ तू मेरे लिए रोज खाना ला सकती है, मेरे दूसरे साथियों का भी खाना घर से आ सकता है,
मगर ये सवाल खाने का नहीं, अपने हक का है मां। जब तक देश आजाद नहीं हो जाता यहां आना जाना लगा ही रहेगा। मौत के ये घर कम से कम इस लायक तो हो जाएं कि बाहर निकलने तक इंसान जिंदा रह सके, यही हमारी मांग है मां। परे 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 लो पानी पियो। तुम भी पानी पिलाओ। पानी पानी पानी, मैं और पानी नहीं पी सकता, मैं और पानी नहीं पी सकता। पानी से पेट नहीं भरता और आदमी सिर्फ पानी के सहारे जिंदा नहीं रह सकता। पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, रोटी। सरकार हमारी मांगे कभी पूरी नहीं करेगी और हम भूख से यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। नहीं नहीं, मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे और भूख। मैं कहता हूँ ये क्या तरीका है अपनी बात मनवाने का? सरकार तो चाहती है कि हम एड़ियां रगड़ रगड़ कर यूं ही मर जाएं। मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं होती, हमसे और भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं होती। चिल्लाओ और चिल्लाओ, कहो कि तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैंने पहले ही कहा था कि भूख की आग इंसान को क्या से क्या बना देती है, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी। अब भी वही कीजिए जो आप लोगों का दिल करे। आपको रोटी चाहिए, रोटी मिलेगी, लेकिन वही कुत्ते की रोटी जिसे खाने के बाद उनके सर शर्म से झुक जाएंगे जिन्हें आप पर नाज है। याद रखो, जो इंसान की मौत मरना नहीं जानता, ये दुनिया उसे इंसान की जिंदगी जीने नहीं देती। किशोर, मुझसे जब अपने भाइयों की हालत बहुत खराब है। किशोर, अगर तुम गया तो मैं मिलने के लिए, देखो क्या खबर आती है। ओ इनकलाबियो, तुसी सब दे सब बेवकूफ हो, दो कौड़ी की अकल नहीं है तुम्हारी। भगत सिंह ने कहा खाना छोड़ दो, खाना छड़ता। कल को वो कहेगा दुनिया छोड़ दो, दुनिया छोड़ देना। और कोई तो अपनी अकल लड़ाओ, वो तो खाना इसलिए नहीं खाता कि उसकी मूछ नीची ना हो। और तेरे कौन सी मूछ है? बोलो बोलो बोलो, कोई तो मैंने समझाओ, बोलो। अगर समझना चाहते हो तो यहाँ हो मेरे पास। चल भाई तू समझा दे वड्डा चौधरी, चल भाई समझा। ये क्या है? ये तस्वीर है कोले से खींची हुई। बस और क्या, इसकी आरती करा। जब तुम माँ को नहीं जानते तो उसके लाल को क्या पहचानोगे? ओए भगत सिंह की माँ है। हाँ भगत सिंह की माँ है, हम सब की माँ है, सारे हिंदुस्तान की माँ है, भारत माँ है। जब तुम भगत सिंह को समझ लोगे तो इसे भी अपनी माँ मान लोगे। जानते हो ये क्या है? जजीरा। हाँ, हमने इन्हें मिटाने की कसम खाई है। होता हाथ हटा है मिटाती हैं। नहीं कैर सिंह, नहीं, इन जंजीरों में अंग्रेजी हुकूमत है, इन्हें काटने के लिए तुम्हारे हाथ नहीं चाहिए। भगत सिंह जैसी आत्मा चाहिए, अटल इरादे चाहिए। यारा सीधी सादी बात कर, अपनी समझ में तो कुछ नहीं आया? ऐसी बातें समझाने से समझ में नहीं आती। तुमने समझना चाहा, मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं समझोगे। कैर सिंह जी, हमें अपने ही हाल पर छोड़ दो। ओ इनकलाबी, ओ तू तो और भी पंगल पूसे में पा गया। भगत सिंह ने बड़ा तंग किया। प्यारो, सब सो गए? ओ भाई तनी राम, इधर आ। तनी राम। हाँ बैठ जा। की बात है? ओ यारा, उन इनकलाबियों ने आज भी खाना नहीं खाया, हद कर देती है। कहर सिंह प्यारे, एक दिन तू भी खाना मत खा। ओए, मेरे अकेले के ना खाने से क्या होता है? उनका साथ सारा मुल्क दे रहा है। आजकल सभी घरों के चूल्हे ठंडे रहते हैं, जानता है 40 दिन हो गए उन प्यारों को खाना खाए, 40 दिन। यार तनी रामा, एक बात बता। बोल। ये भारत माता क्या चीज है? ये इनकलाबी कहते हैं कि भारत माता को आजाद करके ही दम लेंगे। तो मैं कहना है कि अंग्रेजों ने उसको जहां कैद कर रखा है उस जेल पे हमला करके उसको छुड़वा लो। कहर सिंह प्यारे,
ये बातें अगर हमारी तुम्हारी समझ की होती तो खून के जुर्म में हम यहाँ कैद न होते, तुम्हारी जगह ये न होती, उन इनकलाबियों के साथ होती। यार तनीराम, हाँ, एक काम कर दे मेरा। बोल। तेरे को तो मालूम है कि मैं रोज रात को छुपकर 2-3 रोटियां खाता हूँ, पर आज नहीं खाई गई। जब जेलर घर चला जाए ना तो ये छुपा कर उन बच्चों को खिला देना। नहीं प्यारे कहर सिंह, बड़ा सख्त पहरा है। उस जेलर ने हमारी छाती पर बंदूक तान रखी है और सरकार ने जेलर के सीने पर। ओए लानत है जेलर के जीने पे। दिस इज व्हाट दे डू सर। सर ये लोग पानी पी पी कर पेट भरते हैं, बहुत जिद्दी हैं। इन लोग का पानी बंद कर दो, गवर्नमेंट इनके सामने झुकना नहीं सकता। राइट सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, अगर इन लोगों के पानी के बर्तन में हम मिल्क डाल दें तो हंगर स्ट्राइक खत्म हो सकता सर। ब्रिलियंट आइडिया, वेरी ब्रिलियंट आइडिया, यू आर एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सर। कमबख्तों ने हर मटके में पानी की जगह दूध भर दिया है, इसकी हालत बहुत खराब है, अगर थोड़ी देर से पानी ना मिला तो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत कीजिए। मैं इस जहर को पीकर अपनी और अपने साथियों की नजर से गिरना नहीं चाहता। आराम करो। मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। जेलर साहब, आपको दिन रात हमारी देखभाल करनी पड़ती है, आप बहुत कमजोर हो गए हैं, आपको यह दूध पीना चाहिए। पीजिए दूध, जिंदा रहे, जिंदा रहे शेरा, जिंदा रहे। मिस्टर जितेन दास, एक इंजेक्शन ले लीजिए, मेरी बात मान लीजिए। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? मुझे इंजेक्शन नहीं, पानी चाहिए, पानी। ठीक है। ऐसा दुनिया की किसी हुकूमत ने नहीं किया जो यहां हो रहा है। अगर मेरे सामने आ जाए जिसने हुक्म दिया है तो मैं उसकी बॉडी बॉडी का डालूंगा। मैं कहता हूं पानी लाओ, पानी लाओ, जालिमो पानी लाओ, पानी। भगवान के लिए एक गिलास पानी। पानी, पानी। मैं कोशिश करता हूं। साहब, साहब अपना हुक्म वापस ले लो साहब, ये बच्चा की हालत बहुत खराब है। ठीक है, जा पानी ले आ। खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। साथी जतन दास, तुम्हारा बलिदान महान है, इस देश की आजादी का इतिहास तुम्हारे नाम के बिना अधूरा रहेगा। मातृभूमि के सच्चे सपूत शेरे बंगाल, तुम पर भारत हमेशा नाज करेगा। इनकलाब। एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बाचीत, देख
देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है, वो चुप तेरी महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बता देंगे तुझे ओ आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सबको कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचाए कातिल में है, कूचाए कातिल अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब भाई किधर से यहाँ की गल है, आज बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। कमाल है, तुमको नहीं मालूम कि अरे भैया एक गवर्नमेंट को आखिर झुकना पे आया है,
भगत सिंह उसके साथियों की जो मांग थी ना वो सारी मांगा मन नहीं आ गवर्नमेंट ने। अच्छा भूख हड़ताल तोड़ रहे ने। ले चतर सिंह आज मान गया परमात्मा है गई। ओए तू कि परमात्मा? हाँ सारी रात मैं वाहेगुरु दे अग्गे प्रार्थना करता रहे कि जे तू है इन्हां किसाइयां दे दिलां च थोड़ी जी दया भर दे। चतर सिंह परमात्मा है, है। वाह गुरु तेरा प्रताप। जिस बंदे नूं पुलिस दी मार इंसानियत दा खौफ रास्ता नहीं दिखा सकिया उसनूं देशभक्तां दी भक्ति ने रास्ता दिखा दिता। चतर सिंह की इक्को ही अफसोस ही भगत सिंह मिलिया लेकिन बड़ी देर दे बाद मिलिया। आदमी तां मैं तां वी मारदा लेकिन चुन चुन के अंग्रेज मारदा। खैर जिंदा रे शेरा। कैर सिंह तेरा फैसला कब होएगा? फैसला कर लिया ही। जे ता लग गई फांसी तां खुश ते जे बरी हो गया ते ऐत की अंग्रेज मारांगा तां फांसी। फांसी पक्की चतर सिंह। ऑनरेबल जजिस ऑफ द ट्रिब्यूनल, मुकदमे के वाकयात की जांच पड़ताल से साबित हो चुका है कि किस तरह मुलजमान भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने मुलजिम सुखदेव और बाकी साथियों की मदद से पुलिस ऑफिसर सैंडर्स पर गोली चलाई और उन्हें जान से मार डाला। दुख सिर्फ इस बात का है हम उसे इतनी बेरहमी से नहीं मार सके जितनी बेरहमी से उसने लाला लाजपतराय पर लाठी बरसाई थी। ये लोग मिस्टर सैंडर्स का खून करने के बाद पुलिस की नजरों में धूल झोंक कर लापता हो गए। सिर्फ पुलिस नहीं वकील साहब पूरी अंग्रेजी हुकूमत कहिए। हुकूमत की ताकत को नजरअंदाज करते हुए इन लोगों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। इनकी यह हरकत सरकार अंग्रेजी का तख्ता उलट देने की नाकाम कोशिश थी। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इन्होंने शहंशाह बरतानिया के खिलाफ जंग की है। आप तो हमारी तारीफ कर रहे हैं वकील साहब। अगर बागियों का सर यहां ना कुचला गया तो इनके हौसले और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए अदालत से मैं दरखास्त करूंगा मुलजिमान को सजा देते वक्त किसी किस्म की नरमी या रहमदिली से काम न लिया जाए। सरकार के इन दुश्मनों के लिए सजाए मौत तजवीज करता हूं। यही कहना चाहते थे ना आप कि ये सिपाही जो अपने देश की आजादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं जिंदा रहने के काबिल नहीं। अभी फिनिश मिस्टर प्रोसिक्यूटर। यस योर ऑनर। तुमको जो कुछ कहना है यहां आकर कहो। और आपका भी शुक्रिया। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि आपने हमारी जदोजहद को हमारी कोशिश को जंगे आजादी माना। मैं कहता हूं कह दो इन विदेशी हुक्मरानों से कि हमारे मुल्क की सरजमीन से अपने बोझल कदम उठा लें क्योंकि जुल्म और तशद्दुद के निशान बहुत गहरे हो चुके हैं। हमारी मातृभूमि का सीना पाताल तक छलनी हो चुका है दब चुका है लेकिन दबी हुई चीज जब भी करवट लेती है तो जलजला आता है। ऐसा जलजला जो गरूर का सर जमीन पर लापटकता है। इससे पहले कि इनकलाब का नारा लगाते लगाते तुम लोग अपना दम तोड़ दो मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि इनकलाब का मतलब भी समझते हो? पुजारी से पूछा जाए मंदिर क्या होता है उसे क्रोध नहीं बल्कि सवाल पूछने वाले पे तरस आता है। वकील साहब आप खुद नहीं जानते इनकलाब क्या होता है। अगर आप जानते तो आज आप सरकारी वकील ना होते हम में से एक होते। आपने वाशिंगटन गरिबाल्डी शिवाजी मरहट्टा और गुरु गोबिंद सिंह जी में से किसी का नाम तो सुना होगा। ये सब अपने जमाने में खुद इनकलाब थे। इनकलाब जुल्म को खत्म करने का एक पुरजोर नारा है। गफलत की नींद सोने वालों के लिए मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान है। अन्याय और दरिंदगी के निजाम को बदल देने का दूसरा नाम है इनकलाब। तुम लोग इस तरह अदालत में नारे नहीं लगा सकते। तुम्हारा वो मानेगा तुम्हारी हुकूमत मानता हो।
इंस्पेक्टर हैंडकफ्ड हैं। हम हथकड़ी नहीं लगवाएंगे, हम हथकड़ी नहीं लगवाएंगे। भगत सिंह ने जो भी करना था सो कर दिया और हमारा मकसद पूरा हो गया। तुम ठीक कहते हो भैया, लेकिन आज जो अदालत में हुआ उससे साफ जाहिर है सरकार कोई भी रंग बदल सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन उससे पहले हम जेल पर हमला करके उन्हें छुड़ा लाएंगे। तो भैया मैं आज ही बम टेस्ट कर लेता हूँ, राज को साथ ले जाऊंगा तो मैं जाता हूँ। ठीक है। राज बचन वापस आए तो भेजकर आजाद जी को बुलवा लो, लगता है आखिरी वक्त आ गया। नहीं नहीं भैया, मुझे खास चोट नहीं लगी, मैं खुद चला जाता हूँ, बचन आपके पास रहेगा। भैया के हाथ में ही फट गया, बुरी तरह जख्मी हुए हैं वहां। लेकिन वो है कहां? वही रावी के किनारे वाले जंगल में। दीदी तुम राज की मरम्मत करना, मैं नहीं आता। फिर आयुष मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं भाभी अभी तुम्हारा वहां जाना ठीक है। नहीं नहीं मैं जरूर चलूंगी। भाभी तुम तो जानती हो पुलिस के आदमी साय की तरह हमारा पीछा कर रहे हैं, उन्हें शक पड़ गया सब गड़बड़ गया। तो क्या हुआ? अभी तुम हौसला रखो, हम भैया को यही ले आ रहे हैं। दीदी तुम भाभी के पास जाना और छक जा रही। हाँ आजाद जी आए तो उनसे कहना कि वो रावी किनारे वाले जंगल में आ जाए। यशपाल भैया के शरीर को दरिया में परवा देते हैं। हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, तेरी राहों को रोशन तो कर देंगे हम। हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, तेरी राहों को रोशन तो कर देंगे हम। खाक में मिल गई जिंदगानी तो क्या, मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम। मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम। रंग अपने लहू का तुझे देके हम, तेरे गुलशन की रौनक बढ़ा जाएंगे।
ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे, ऐ वतन बलवा होने का कोई चांस नहीं, एब्सोल्युटली नो चांस। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। भगत सिंह, तुमने और तुम्हारे साथियों ने अदालत में जाने से इंकार क्यों कर दिया? वो अदालत नहीं है जेलर साहब, वहां इंसाफ नहीं होता, हम वहां नहीं जाएंगे। तो फिर तुम लोगों का फैसला कैसे होगा? फैसला कब का हो चुका जेलर साहब, ये अदालत, ये मुकदमा तो झूठी रस्म है, हम वहां नहीं जाएंगे, ये हमारा फैसला है। तुम जा सकते हो। ये वो अदालत है जो न कभी देखी गई और न सुनी गई। ये मुलजिमान और वकील सफाई की गैर मौजूदगी में फैसला कर रही है। वाह रे अंग्रेजी सरकार, वाह तेरे कानून। मैं अभी आपके सामने अदालत का फैसला पढ़ के सुनाऊंगा। ये फैसला बहुकुम स्पेशल ट्रिब्यूनल आपको सुनाया जा रहा है, जो कल बतारीख 7 अक्टूबर 1930 को पास किया गया। मुजरिम शिवराम राजगुरु उर्फ मम मराठा, दफा 121 से दफा 302 ताजीरात हिंद के जेर तहत अदालत ने आपको मुजरिम करार पाया है, और इन जरायम के लिए अदालत आपको सजाए मौत देती है। टू बी हैंग टिल डेथ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मुजरिम सुखदेव, दफा 139 और दफा 120 ताजीरात हिंद के जेर तहत अदालत ने आपको मुजरिम करार दिया, और इन जरायम के लिए अदालत आपको सजाए मौत देती है। टू बी हैंग टिल डेथ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मुजरिम भगत सिंह, दफा 121 से दफा 302 ताजीरात हिंद और दफा 4B एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के जेर तहत अदालत आपको मुजरिम करार देती है, और इन जरायम के लिए अदालत ने आपको सजाए मौत का हुक्म दिया है। टू बी हैंग टिल डेथ। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए। मुझे उम्मीद है कि जब तक तुम लोग यहाँ रहोगे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे यहाँ कब तक रहना होगा? जब तक जिंदगी और मौत के दरमियान का फासला खत्म नहीं हो जाता। अकबर। यस सर। मेरे साथ है। तुमने सब चेक कर लिया? जी हाँ जनाब, मैंने तीनों सेल चेक कर लिए हैं, सब ठीक है। गुड। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को आविष्कार को फांसी। सिंह राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च को फांसी। बहू, हमारे खानदान के पुरखों ने बड़े पुण्य किए हैं। स्वर्ण सिंह तुम्हारा देवर जेल में शहीद हो गया, अजीत सिंह ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, और अब भगत सिंह तुम्हारा अपना बच्चा सरकार के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया है कि उसके लिए फांसी की सजा सोची गई। फांसी पे जाने से पहले कह सिंह एक बार भगत सिंह से मिलना चाहता है। क्या कहा?
कह सिंह भगत सिंह से मिलना चाहता है, ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है। मिलवा दो उन्हें। जी हजूर। सिंह ले भाई भगत सिंह, पहली ते आखिरी बार सत श्री अकाल। आखिरी बार? हाँ यारा, अपना वक्त पूरा हो गया है, पर एक बात पूछूं तुझसे। क्या? मैं ते बुरा आदमी हूं, कोई आदमी की मैं ते जानवर हूं, मुझको तो मेरे पापों की सजा मिलनी चाहिए, पर ये दुनिया तेरे जैसे लोगों के साथ ऐसा सलूक क्यों करती है? खैर कोई गल नहीं, ऊपर चलें, ऊपर वाले को पूछूंगा कि तेरी दुनिया में ये क्या अंधेर खाता है। ये भगत सिंह और कैर सिंह की दुनिया कोई फर्क नहीं समझती। ले भाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल यारा। दूसरे बच्चों भी सत श्री अकाल कह दी। भगत सिंह एक आखिरी काम करेगा? बोलो यारा। जिंदगी च किसी नेक आदमी नाल हाथ नहीं मिलाया, मिलाएंगा ही हाथ। बा बा बा, बल्ले बल्ले बल्ले, जोर से। आहा, फांसी सफल हो गई, ऐसे लगता शादी करने जा रहा हूं। चल भाई ला चल। ओ ठहर ओए चतर सिंह, इन बच्चों का ध्यान रखी, ये देश के बड़े कीमती मोती ने। जिंदल जिंदल शेरा। जी नहीं तो चलाऊं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनि से अभंग निष्प्रयास जप भास सच भास सच है भी सच नानक को सीधी सच। जिंदा रहे शेरा। आइए आप मिल लीजिए। माँ है बेटा? चंगा भला हूं मां, तू कैसी है? मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं बेटा। क्यों नहीं, जिस मां का बेटा अपनी बरसों की तपस्या पूरी करने जा रहा है वो मां खुश नहीं होगी? जरूर होगी। हाँ, जरूर होगी, मैं भी यही सोचती हूं। लेकिन भगत, जब मेरी आंखों के सामने फांसी का पंथा और तेरी गर्दन आती है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मुझे सिर्फ यही याद रहता है कि मैं तेरी माँ और तू मेरा बेटा। माँ, अगर तू ऐसा सोचेगी तो दुनिया में कोई माँ अपने बेटे को देश के लिए हंसते हुए रुखसत नहीं करेगी। ऐसा मत सोच माँ, ऐसा कभी मत सोचना। भगत, तू इतनी छोटी उम्र में ही सबको छोड़कर चला जाएगा? तूने जिंदगी का देखा ही क्या है? मैंने वो माँ देखी है जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि बेटे, अपने देश के लिए एक बार मरना 100 जन्म के बराबर होता है। मुलाकात का वक्त पूरा हो गया। माँ, मेरी बात याद रखना। माँ रोना नहीं, रोना नहीं। माँ रोना नहीं। हाँ। अच्छा माँ, भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़ के तो
लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। इश्क आजादी से आशिकों ने किया, देख लेना उसे हम ब्याह लाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन पार्टी के सबसे बड़े नेता चंद्रशेखर आजाद पुलिस की गोलियों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। भाभी, भाभी क्या ये सच है? हाँ। इसका मतलब ये हुआ हमारे साथ ही मार दिए गए या एक एक करके सब गिरफ्तार कर लिए गए। भाभी भाभी समझ में नहीं आता हमारी पार्टी का क्या होगा, क्या होगा हमारे देश का। कहते हैं सवेरा होने से पहले भूख अंधेरा हो जाता है, जैसे रात अपनी सारी ताकतें समेट कर एक साथ उजाले को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी सूरज की किरणें अंधेरे का सीना चीर देती है। भगत सिंह इसमें निराश होने की कोई बात नहीं, तुम लोगों की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। भाभी मैं एक मिनट के लिए भूल गया था, इस धरती ने तुम जैसी देवियों को जन्म दिया है, वो धरती कैसे गुलाम रह सकती है। जिंदा रहे शेरा, जिंदा रहे। चतुर सिंह, आज 23 मार्च है ना? हाँ हाँ। और कल? कल बहुत दूर है, बहुत दूर है। इतनी दूर जितनी दूर यहाँ से फांसी के फंदे हैं। तू इसकी फिक्र मत कर बादशाह, फांसी तो बड़ी मामूली चीज है, बहुत मामूली चीज है। फांसी के वक्त शायद गले में तकलीफ हो भी, मगर फांसी के वक्त नहीं होती। तू घबरा मत मेरे शेर, घबरा मत। मैं ये सोच रहा था चतुर सिंह, आज माँ नहीं आई अभी तक। माँ? माँ ने फौला जैसा बेटा तो देश को दे दिया, मगर उस माँ का अपना दिल। चतुर सिंह, माँ बहुत बड़ी शक्ति है भगत सिंह, बहुत बड़ी शक्ति है माँ, बहुत बड़ी शक्ति। तुम रो रहे हो, ये खेल तो रोज होते रहते हैं, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। यहाँ कितने आए कितने गए। ठीक है, कितने आए कितने गए, मगर तेरे जैसा ना आया है ना आएगा। भगत सिंह, भगत सिंह कैसे हो भाई? अच्छा हूँ। तुम लोग आज अदालत से जल्दी कैसे आ गए? सुना है आज कोई अंग्रेज अफसर यहाँ अफसरी करने आ रहे हैं। पागल है, यहाँ कोई अफसर नहीं आ रहा, अफसरी तो हम करेंगे शायद आज ही। तू की बात कर रही है, मैं समझे नहीं। समझ जाओगे, जब आदमी चला जाएगा बातें रह जाएंगी। कोई दम का मेहमा हूँ ऐ अहले वतन, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का फांसी का ऑर्डर है, इन लोग को आज फांसी देने का है। दे आर टू बी हैंग टुडे। लेकिन सर आज हम उन्हें कैसे फांसी दे सकते हैं? व्हाई नॉट सर, आज 23 मार्च है और फांसी के ऑर्डर 24 के हैं। वक्त से पहले फांसी देना कानून के खिलाफ है सर। व्हाट?
ये ऑर्डर उसी गवर्नमेंट का है जिसने कानून बनाया और तुमको नौकरी दिया। अंडरस्टैंड? लेकिन सर, फांसी तो सुबह दी जाती है, शाम को नहीं। सर, ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तुम ऑर्डर ओबे करो, हिस्ट्री अपने आप बन जाएगा। तुम सरकार का नौकर है, यू आर ऑन ड्यूटी। यस, आई एम ऑन ड्यूटी। जी हुजूर। चतर सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह के लिए पानी ले जाओ, उनके अंतिम स्नान के लिए। अंतिम स्नान? लेकिन एक दिन पहले क्यों? ना साहब ना, फांसी से पहले दा दिन फिर रिश्तेदारा दा दिन होता है, मां बाप दा दिन होता है। चतर सिंह, मत भूलो कि तुम ड्यूटी पर, तुम्हें जो हुक्म दिया जाता है वैसा ही करो। मैं नहीं करना, मैं नहीं करना। साहब, तो ऊपर वाले का वास्ता है, जरा सोचो तो सही। अगर उन्होंने मां प्यो आन के बच्चे न मिलन वास्ते तो कि मुलाकात करावांगे? लाशों के नाल साहब, तो अपने मसीहा का वास्ता है। अगर आखिरी मेरी बच्चे न अपने मां बाप मिल लेंगे तो तुम्हारी हुकूमत का कुछ नुकसान नहीं होगा। साहब, मगर याद रखना, जरा गुना तू किता है ऊपर वाला तेन कभी माफ नहीं करेगा। एक बच्चे की खून की एक एक खून की कीमत तेन चुका नहीं पाएगी। देख लेना, तुम्हारा ये गुनाह सारी अंग्रेजी हुकूमत को गुनाह कर देगा। नहीं नहीं भगत की मां, मैं मानता हूं कि तुम्हारा दिल बेटे से आखिरी बार मिलने के लिए तड़प रहा है, लेकिन लेकिन तुम वहां ना जाओ, तुम्हारे वहां जाने से मुझे डर है। डर? डर किस बात का? आज तक हमारा भगत देश की आजादी के लिए ऐसे लड़ता रहा है जैसे गुरु के दो लाल लड़े थे, शिवाजी और महाराणा प्रताप लड़े। मैं नहीं चाहता कि हमें देखकर उसमें किसी किस्म की कमजोरी आ जाए। मैं उसकी मां हूं, उसका दिल, उसका दिमाग, उसके ख्यालात मेरे दूध से बने हैं, मेरे खून से बने हैं। मैं अपने भगत को जानती हूं, आकाश झुक सकता है, मेरा भगत नहीं झुक सकता। जानते हो, मेरे भगत ने आजादी को ब्याह लाने की सौगंध खाई थी। आज उसकी शादी की तैयारियां हो रही, कल मेरा बेटा दूल्हा बनेगा, उसकी बारात सजेगी। ऐसा भी हुआ है बेटे की शादी हो और मां बाप शरीक ना हो? लोग क्या कहेंगे, बिरादरी क्या कहेगी? तुम ठीक कहती हो, ठीक कहती हो तुम। चलो हम सब चलेंगे, देखें तो अपने दूल्हे राजे पर कैसा रूप चढ़ता है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। नहीं नहीं, हाथकड़ी नहीं पहनूंगा। सुखदेव जी, मेहरबानी करके हमारी मजबूरी को समझिए, पहन लीजिए हाथकड़ी, ये जेल का दस्तूर है। दस्तूर दस्तूर है तो बदल दो इस दस्तूर को, मैं हाथकड़ी नहीं पहनूंगा। सुखदेव, पहन लो हथकड़ी, मान लो इनकी बात, यार जाते हुए किसी का दिल नहीं दुखाते।
यह बात है, जान से कह दिया तो मान गए हम, पहना दो हथकड़ी। रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंत। ओहे पापे, तैयार नहीं हुए? यार देखना, हम दोनों तैयार हैं, और एक ये है कि अभी तक समर ही रहा है। लो भाइयों, हम भी तैयार हो गए। वाह बंधु वाह, बिल्कुल राम लक्ष्मण लग रहे हो। तिप्ती साहब, इनके गालों पर जरा काला टीका लगा दीजिए, कहीं नजर न लग जाए। चलिए, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन। आखिरी ख्वाहिश, हमारे हाथ खोल दिए जाएं, हम एक दूसरे के गले मिलना चाहते हैं, अब के बिछड़े ना जाने फिर कब मिलें। खोल दो। Yeah!
ये वीर कितने महान हैं जिन्होंने इस देश की महानता को आदर्श का रूप दिया। महान है ये देश जिसमें ऐसे वीरों ने जन्म लिया। कितनी महान है इस देश की ममता जिसने ऐसे महावीरों को जन्म दिया जिन्होंने देश पर अपना सर्वस्व निछावर करके वीर गति प्राप्त की, अमर हो गए। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन।